प्लीज इंट्रो आपका एजुकेशन कॉलेज स्कूल उसके बारे में बताइए। आपका मीडियम क्या था, एक सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी का सवाल होता है स्टूडेंट्स के बीच में। मेरा नाम शुभम पाटीदार है और मैं इंदौर जिले का ही निवासी हूँ। इसके अलावा मैंने जो स्कूलिंग की है वो मैंने शुरुआती जो मेरी स्कूलिंग है वो सेंट नॉर्बर्ट स्कूल इंदौर से हुई है। इसके अलावा इसके बाद मैंने 11th में PCM लिया था सब्जेक्ट्स और वो मैंने गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की थी। फिर उसके बाद मैंने जो अपना ग्रेजुएशन था वो मैंने BA में पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स मेरे सब्जेक्ट्स थे जो मैंने GACC इंदौर से किया था। और फिलहाल मैं MBA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी में की पढ़ाई कर रहा था स्कूल ऑफ सोशल साइंस GAVP से। इसके अलावा मेरा मीडियम जो था वो इंग्लिश था और मेरी हॉबीज में जिमिंग और वॉलीबॉल इंक्लूडेड थी। जिमिंग तो हम सभी देख सकते हैं आपकी हॉबी का। शुभम जी आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मैंने 2019 का अटेम्प्ट दिया था और उसका इंटरव्यू अवेटेड है और इसके अलावा 2020 का सेकंड अटेम्प्ट था। शुभम जी आपने कब सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है, आपने कब से तैयारी करनी शुरू करी? मैम मैंने जब मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुई थी उसी के बाद मुझे ये जो मेरे आदर्श गुरु थे उन्होंने राय दी थी कि सिविल सर्विस फील्ड भी एक होती है। उसके पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कलेक्टर अपन जिसको देखते हैं वो बनता कैसे है। तो उसके बाद से ही मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने फिर पूरी तरह जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है उसको किया और मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की। एक सवाल है स्टूडेंट्स का ही, नहीं सारे सवाल स्टूडेंट्स के, कि प्री और मेंस की तैयारी आपने एक साथ करी या सेपरेटली करी, पहले प्री के लिए किया फिर मेंस के लिए, क्या इसके बारे में बताइए। चूंकि मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है वो कॉलेज के साथ में ही मैंने स्टार्ट की थी, कर दी थी, तो इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे बहुत काफी ज्यादा समय मिला था कि मैं प्रीलिम्स मेंस सभी पे एक स्ट्रेटेजी के तहत फोकस कर पाऊं। बाकी आई थिंक सबकी केस में अलग अलग सिचुएशन होती है, तो मैंने मेरे ग्रेजुएशन में ही प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन अलग से की और फिर उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया था। पर चूंकि 2019 के बाद पूरा सिलेबस चेंज हो गया था तो फिर मुझे वापस से प्रिपरेशन को अपने वापस से चेंज करना पड़ा। इंटरव्यू के लिए आपने क्या तैयारी करी थी, क्या मैंडेटरी पॉइंट्स है जो हमें प्रिपेयर करने चाहिए इंटरव्यू के लिए आपकी नजर में? So, interview is one of the most, it was one of the most strategic competition in this 2020 exam, I think. और interview ने ही बहुत कुछ decide किया है, deciding factor रहा था। तो मेरी जो interview की preparation थी वो बहुत ही cumbersome थी मैं कहूँगा, क्योंकि मेरी 2019 का जो additional mains था वो 15 to 20 अप्रैल तक चला था। फिर उसके बाद मेरी colleges के जो papers थे वो भी उसी टाइम पे आ चुके थे, तो ऐसा लग रहा था कि मैं मॉक इंटरव्यू देने जाता था और उसके बाद फिर भग के कॉलेज जाके पेपर देता था। बाकी मैंने जो भी मॉक इंटरव्यूज दिए हैं लगभग मैंने 10 से 11 मॉक इंटरव्यूज दिए थे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में आइडिया नहीं था कि इंटरव्यू में हमें क्या क्या डाउनस है। तो आखिरी में मैंने यही समझा है कि इंटरव्यू में जो बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं इंटरव्यू में, बट अगर हम मेजर जो अपने हाथ में कंट्रोलिंग फैक्टर्स है उनकी बात करें तो एक आपकी पर्सनैलिटी है, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस है और तीसरा आपके ओपिनियंस है। सो आई थिंक उन तीनों पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आप अपना थोड़ा सा स्टडी का बताएंगे कि आप ग्रुप स्टडी किया करते थे, लाइब्रेरी जाते थे, घर में करते थे, क्योंकि ये बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी का विषय होता है कि हम रूम में बैठ के पढ़ें या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ें। तो मैम मेरे केस में मेरा घर इंदौर में ही राव में था, पर ये एक प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है कि घर पे मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती थी, कोई रिलेटिव्स का आना जाना हो रहा है या फिर वो जो एक शांत माहौल चाहिए वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो मैं रोज लगभग पिछले 4 साल से लाइब्रेरी ही आ रहा था और डेली लाइब्रेरी में ही मैंने स्टडी की लगभग 8 से 10 घंटे मैक्सिमम। एक सवाल है मेंस से जुड़ा, अभी रिसेंट मेंस होने वाले हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये सवाल है जो मुझे कवर किया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि उनका पेपर छूट जाता है, तो आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, आपका पेपर कभी छूटता था? तो मैम इसके पहले जो मैं 2019 के
मॉक टेस्ट देता था, मेंस के टेस्ट देता था, तो जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें सबको पता होगा कि 2019 वाज मच डिफिकल्ट देन 2020 मेंस। तो मेरे जो प्रिपरेशन थी वो 2019 के मेंस के अकॉर्डिंग थी, जहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। तो उसके बाद जब मैंने 2020 में एंटर हुआ तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा मिल सकता है, बाकी फिर भी मेंस के पहले तक भी मेरे एक दो क्वेश्चन छूटते थे। तो इट्स नॉट लाइक कि सबके केसेस में अलग अलग है, बाकी वहां पर एक चीज एंश्योर करना है कि हमारा बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर मेंस में हमारा क्वेश्चन छूट रहा है तो वो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है हमारे रिजल्ट पर। शुभम जी, कुछ ऐसी एडवाइस जो आप हमारे जल्दी से तो नहीं कहूंगा मैम, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता है कि बहुत लंबी जर्नी है, और मेरे लिए भी एक तरीके से ऑकवर्डनेस है कि जो बड़े लोग हैं उनसे, वो मेरे सामने बैठे हुए हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, फॉर एग्जाम्पल चंचल भी है, भैया है, सो आई थिंक उन्हें भी असलियत मालूम है कि ये एग्जाम बहुत कुछ डिमांड करती है एक्चुअली में आपसे। और अंत में यही है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको पेशेंटली करते जाएं और एक लय में करते जाएं, एक कंटिन्यूटी बनाए रखें, और जो बहुत से लोगों में कंटिन्यूटी है इसे, और चूंकि हमारी किस्मत ऐसी है कि हमें ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि कृपया अपना पेशेंस बनाए रखें, कल आप भी यहीं बैठने वाले हैं और आप पहुँच सकते हैं।